एक लंबी कविता है, एक फूल की चाह, हमने मॉर्निंग में डिस्कस किया था ना वो कविता में श्रीहरि लिसन कैरफुली ओके। एक कविता है एक फूल की चाह, एक फूल माने एक फ्लावर, एक फ्लावर की चाह, विश आग्रह। एक लंबी कविता है, इस कविता में मुख्य रूप से दो समस्याओं का चित्रण है। पहला छुआछूत की समस्या, अनटचेबिलिटी का समस्या, और दूसरा एक महामारी का चित्रण है। एक गांव में एक महामारी आ गई, आते समय गांव के लोग बहुत दुख हुए, बहुत क्या है उनके मन में बहुत सारे डर आ गई क्योंकि बहुत सारे बच्चों की मृत्यु हो गई। तो पहला स्टैंजा में वो महामारी फैलने का चित्रण है, वो सभी एरिया में इधर उधर वो महामारी फैलने का चित्रण है, और मृद्वत्सावों का चित्रण भी है। मृद्वत्साव मीन्स जिसका बच्चा मरा हो, वो स्त्री को हम मृद्वत्सा कहते हैं, वो रोने का चित्रण है, उनका रुदन स्वर का चित्रण है, वो पहला स्टैंजा में। दूसरा स्टैंजा में हमारे वो कविता का मेन स्टोरी वहां से शुरू होती है। हमारा कविता का सेंट्रल कैरेक्टर है सुखिया। वो सुखिया को एक पिता है, ओनली वो पिता, सुखिया को पिता है और पिता को भी सुखिया मात्र है। तो वो पिता के मन में एक आशंका आ गई, वो मेरा बेटी को भी ये महामारी आ जाएगा, इसलिए पिता ने बार बार कहा ए बेटी सुखिया बाहर नहीं जाना चाहिए क्योंकि बाहर एक महामारी फैल गई है, सो आप बाहर नहीं जाना चाहिए। लेकिन छोटी लड़की है ना, उसको खेलना बहुत पसंद है, वो खेलने के लिए बाहर गई। तो पिता के मन में बहुत सारे टेंशन आ गई, वो मेरी बेटी को कुछ होगा तो वो पिता भी वो उनको निहारने के लिए और देखने के लिए बाहर गया, और वह मन में सोचा अब कुछ करना चाहिए, मेरी बेटी को इस महामारी से बचना चाहिए, सेव करना चाहिए। ये है दूसरा स्टैंसर। पहला टू स्टैंसर हमने फिनिश किया, आई होप यू अंडरस्टूड, हमने मॉर्निंग में चर्चा भी किया था। नाउ आई एम मूविंग टू थर्ड स्टैंसर, आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट इज द थीम, राइट श्रीहरि? यस मैम। ओके, I'm moving to third stanza. Listen carefully, my dears. बीत जो डरदा छिपाए, हाय वही बाहर आया। क्या हुआ बच्चों देखिए, भीतर जो डरदा, भीतर माने inside, भीतर जो डरदा, डर माने क्या है? डर, fear, मन में जो fear था, वो fear बाहर आ गया। वो सुखिया के मन में एक सुखिया नहीं, उनका पिता के मन में क्या फायदा, वही बाहर आया। डर रहा छिपाए, छिपाए माने हाइड, हाइड करके रहे। हाय, हाय मींस हाय नहीं है, हमारे इंग्लिश में हम मलयालम में भी कहते हैं ना हाय, वो हाय नहीं है, हाय यहाँ दुख का सूचक है। हाय वही बाहर आ गया, वो वही बाहर आया, केम आउट। मूविंग टू फर्स्ट टू लाइन जस्ट स्प्रेड कीजिए, दैट्स इनफ। मूविंग टू थर्ड लाइन, थर्ड लाइन का मीन है एक दिवस सुखिया के तनु को, वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, देखना चाहिए। एक दिन, एक दिवस क्या हुआ सुखिया को, देखिए सुखिया के तनु को, तनु तन क्या है, तन सानिया तन। मैम समटाइम्स योर voice is very low. Oh, very less. Now it's okay, my dears. Now it's yes, okay. Ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. एक दिवस सुखिया के थनु को, थनु माने क्या है सानिया, आई आस्क्ड टू सानिया ना, सानिया थनु तन, सानिया ओके इट्स ओके, शरीर बॉडी ओके, मैंने लिखी, आपका मीनिंग पता नहीं है तो पता नहीं कहिए, नो प्रॉब्लम ओके सानिया, इट्स ओके। एक दिवस सुखिया के थनु को, वन डे व्हाट हैपेंड, वो सुखिया के शरीर को, सेकंड लाइन फोर्थ लाइन, ताप तप्त माने गर्मी, हॉट हॉट टेम्परेचर,
अब तक मैंने पाया, आई अंडरस्टैंड हुआ, मैंने देखा। एक दिन वो सुखिया के वो शरीर में क्या हुआ, शरीर में ताप टेम्परेचर आ गया। वो सुखिया का वो पिता को बहुत सारे दुख लगा, वो बाई हो गया। वो तब तब मैंने पाया। नेक्स्ट लाइन, ज्वर में विह्वल हो बोली वह। वेरी 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 इंपॉर्टेंट लाइन है, लास्ट टू लाइन्स। ओके, ज्वर मीन्स फीवर, फीवर फीवर, राइट द मीनिंग बच्चों, ज्वर मीन्स फीवर। विह्वल होना माने क्या है, दुखी होना, यहाँ सैड, दुखी होना या सैड होना। नाज आगना शोन रिहान चयन ओन योर वीडियो माय डियर्स, जॉन रिफा, यस रिफा आई कैन सी यू, आई कैन सी, आई कैन सी, आई कैन सी। नाज आगना मैम, यस डियर, हु इज दिस, यस रिफा मैम, कैन यू एक्सप्लेन, कैन यू एक्सप्लेन, यू सेड वंस मोर, ये व्हिच लाइन माय डियर, या श्योर, ताप तप्त मींस टेम्परेचर, हॉट टेम्परेचर। मैंने पाया, पाया माने क्या है, मैंने पाया, मुझे लगा, मैंने अंडरस्टैंड किया। सेकंड लाइन, नेक्स्ट लाइन, ज्वर में विह्वल, ज्वर माने फीवर, फीवर, विह्वल माने दुखी, दुखी हो बोली वह, बोली बोलना कहना, टेल बोलना, टू टेल। देखिए बच्चों, एक दिन उनका शरीर में वो टेम्परेचर आ गया, वो फीवर आ गया सुखिया को, वो विह्वल होकर बोल पड़ी। उसी समय उनका शरीर में ताप टेम्परेचर था, वो उनका मन में बहुत सारे दुख था, क्योंकि वो खेलने के लिए बाहर नहीं जा सकता। इसलिए लास्ट टू लाइन देखिए बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन भी कीजिए और इसके लेफ्ट साइड में इंपॉर्टेंट भी लिखिए। माय क्वेश्चन, लास्ट लाइन इज, मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर। वेरी 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 इंपॉर्टेंट लाइन, मुझको देवी के प्रसाद, देवी भगवती भगवान, देवी के प्रसाद, प्रसाद हम मलयालम में भी कहते हैं ना, सेम वर्ड, देवी के प्रसाद का एक फूल, ओनली वन फूल आई नीड। सो हमारा सुखिया ने क्या पूछा, वो पिता से उनका एक अंतिम अभिलाषा पूछा, क्या पूछा उन्होंने, प्रजो कैन यू से, क्या पूछा सुखिया ने पिता से, एक फूल, यस मैम, वो साधारण फूल है, नहीं है, देन आंसर मी माय डियर्स, एनीवन, हम देवी के प्रसाद, देवी के प्रसाद का वो फूल मुझे चाहिए। यह है छुआछूत का समस्या, अनटचेबिलिटीज का समस्या, क्योंकि सुखिया और उसका पिता वो नीचे या निम्न वर्ग का, निम्न जाति का, जाति के वे लोग है, उनको मंदिर में या टेंपल में नहीं प्रवेश कर सकता, नहीं एंटर कर सकता, वो टेंपल में नहीं प्रवेश कर सकता वो। लेकिन हमारा वो सुखिया ने उनका अंतिम अभिलाषा बताया, उनको देवी का एक फूल चाहिए, देवी के प्रसाद का फूल। वो टेम्पल से हमको मिलता है, हमको गार्डन में और किसी और प्लेस में नहीं मिल सकता। क्या है वो सुखिया को, एक दिन उनका वो शरीर को ताप ले जैसा लेगा, वो पिता से एक बात पूछा, हे पिता मुझे देवी के प्रसाद का एक फूल चाहिए। ओके, ये है थर्ड स्टैंसा, आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द थीम। ओके लक्ष्मी, इट्स फाइन, ओके ना, यू गॉट द थीम, यस मैम, ओके डी, आई मूव इनटू नेक्स्ट स्टैंसा। नेक्स्ट स्टैंसा में ये बीमारी बढ़ने का चित्रण है। ओके, इफ यू वांट यू कैन नोट दैट, आपका वो नेक्स्ट फोर्थ स्टैंसा के
नियर योर साइट में यू नोट कीजिए, बीमारी या वो फीवर, वो डिसीज बढ़ने का चित्रण है नेक्स्ट स्टैंजा में। देखिए, क्रमशः, क्रमशः मीन स्लोली, राइट द मीनिंग बच्चों, स्लोली स्लोली। शोन आर यू देयर? हमने डिस्कस किया था या क्रमशः, क्रमशः मीन स्लोली स्लोली स्लोली, धीरे धीरे। खंड क्षीण हो गया, क्या है खंड? खंड माने क्या है कृष्णा? खंड हम हिंदी में बताते हैं ना, वो बोर्ड क्या है? खंड। कृष्णा आंसर मी, व्हाट मैम? खंड, खंड, इट्स ओके, थ्रोट, थ्रोट, राइट द मीनिंग। खंड माने थ्रोट। क्षीण हो गया, क्षीण माने वीक, प्लीज राइट द मीनिंग बच्चों, वीक, वीक, डब्ल्यू ई ए के, वीक। देन क्षीण हो आया, देन आई मूविंग टू सेकंड लाइन, शिथिल हुए अवयव सारे, शिथिल हुए मीन्स लूज होना, सभी अवयव, अवयव मीन्स बॉडी पार्ट्स, शिथिल होना, लूज होना, क्या है सम प्रॉब्लम्स आते समय उनका वो हमारा शरीर स्पर्गा हो जाता है। अवयव मीन्स सारे अवयव, बॉडी पार्ट्स, ऑल द बॉडी पार्ट्स, सारे मीन्स ऑल, वेरी इजी है। मूविंग टू थर्ड लाइन, बैठा द, बैठा मीन सैट, मैम सारे, या सारे, ऑल, ऑल, सारे, ऑल, सिंपल ना। बैठा क्या है? बैठा, बैठना, सिटिंग, बैठ, सिट। नव, नव, मत आइए, एनीवन से द आंसर, नव, नव, वी आर यूजिंग इन हिंदी एंड रोना, नव, नए, न्यू, 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 यस, न्यू, न्यू। उपाय क्या है? उपाय बच्चों, सॉल्यूशन, वे, 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 डब्ल्यू ए वाई, वे। सो फर्स्ट थ्री लाइंस का मीनिंग आई विल एक्सप्लेनेशन आई विल गिव, लिसन केयरफुली। वो सुखिया का वो बीमारी या डिसीज बढ़ने का चित्रण है वो फोर्थ स्टैंजा में, ओके। तो क्या हो गया हमारा सुखिया को? क्रमशः स्लोली स्लोली उनका खंड या थ्रोट वीक हो गया, उनका बॉडी पार्ट, सारे अवयव शिथिल हो गए। वो सुखिया का वो पिता, उनके मन में बहुत सारे दुख है, वो टायर्ड हो गया, वो भाई हो गए, उनका मन में भाई है, उन्होंने नई नई उपाय सोचा। मैम योर साउंड इज लेस, हु इज दिस? शॉन, व्हाट अबाउट अदर्स मकले? देखिए, बेटा दा नव नव उपाय की, मैंने नव नव उपाय सोचा, मैंने मीन्स पिता ने, पिता ने नव नव उपाय सोचा, न्यू न्यू वेज, कैसे इस हमारे बेटी की रक्षा करें, कैसे करूं, इस प्रकार उन्होंने नए नए उपाय सोचा। क्रमशः खंड क्षीण हो गया, फर्स्ट थ्री लाइन से कोई बात देखिए बच्चों, स्लोली स्लोली या क्रमशः वो खंड, उसका खंड क्षीण हो गया, या उनका सारे अवयव शिथिल हो गए, उनके वो पिता ने क्या हो गया, वो पिता या सुखिया का पिता, वो सुखिया को कैसे रक्षा करूं, वो सोचते नए नए उपाय सोचता है। फर्स्ट थ्री लाइन्स ओवर, आई मूव इट टू फोर्थ लाइन। चिंता, चिंता माने थिंक, थिंकिंग, चिंता, चिंता हम मलयालम में ही कहते हैं ना वो चिंता। वरीड, यस डियर, रीड, व्हाट, वरीड, चिंता, वरी, वरी, या वरीड आल्सो, चिंता में मन मारे माने मन को रोकना, क्या है इसका मीनिंग? मन को रोकना माने, मैम योर साउंड इज लेस, ओह माय गॉड। चिंता में मन मारे, मन मारे मीन्स मन को रोकना, क्या है इसका इंग्लिश?
मन को रोकना हम इंग्लिश वर्ड एनी इंग्लिश वर्ड इज दैट माइंड कंट्रोल मन को रोकना या स्टॉप करने के लिए प्रयास किया चिंता में मैं मन मारे जान सका ना प्रभा सच्चक से जान सका ना जान ना क्या है जान ना जान चुनो अच्छा नो यस नो प्रभा सज्ज प्रभा मीन्स मॉर्निंग सज्जग से सज्जग सज्जग मीन्स वो हलचल से भरी सुबह क्या है सुबह का स्पेशलिटी मॉर्निंग मॉर्निंग सेशन का स्पेशलिटी क्या है बहुत सारी हलचल है राइट बहुत सारे आवाजेज बहुत सारे आवाज हमको सुन सकते हैं सज्जग है हमारा सुबह बिकॉज हमारा चिड़ियों का वो कलर इस प्रकार बहुत सारे साउंड हमको देख सकते हैं सुबह का सज्ज लेकिन रात का क्या स्पेशलिटी है फुल साइलेंट है ना सुबह यस सुबह पिता कहता है वो कब सुबह आ गया सुबह का वो हलचल सुबह का वो सज्जग मुझे पता नहीं था कब सुबह आ गई द नेक्स्ट लाइन दैट आई विल टेल टुगेदर हुई आलस कब दोपहरी हुई आलस आलस मीन्स आलस आलसी क्या है लेजी कब दोपहरी दोपहरी माने दोपहर आफ्टरनून आफ्टरनून में डिफरेंस है मॉर्निंग का वो हलचल वो दोपहर में नहीं मिलेगा मॉर्निंग का वो फ्रेशनेस आफ्टरनून में नहीं मिलेगा रात में नहीं मिलेगा इट्स नॉट पॉसिबल ओके सो मॉर्निंग का वो सजग स्पेशलिटी है तो देखिए हम कभी भी इस प्रकार कहता है जान सका ना प्रभा सज हुई आलस कब दोपहरी कब वन दोपहरी आई विल टुगेदर आई विल गिव द एक्सप्लेनेशन स्वर्ण घनों में कब रवि डूबा स्वर्ण घन 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 माने घन घन बन क्या है घन बादल स्वर्ण घनो माने सुनहरा गोल्डन गोल्डन क्लाउड्स कब रवि डूबा रवि रवि माने सन सूर्य डूबना सनसेट ओके देन लास्ट लाइन कब आई माने इंग्लिश में क्या है कब आई when would come when when would come ah when yes संध्या गहरी संध्या समय गहरी means गहरी के क्या मीनिंग है गहरी माने deep गहरी माने deep yes deep so क्या है वो stanza का मीनिंग वो हमारे so I told him but I has I think has a connection problem Aaron can you turn on your video Nas, those be Aaron. Switch on the video. Chairman here. Chairman here. Those be then Aaron. Connection problem. This is Aaron. 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 Switch on the video. Don't block him. ओके सो हमने क्या डिस्कस किया था वो कवि कवि कहता है क्या है वो हमारे वो क्या है तो मैंने कितने टाइम्स मैंने बताया आपका वीडियो टर्न ऑन करना चाहिए हाँ कितने टाइम्स मैंने बताया देखिए वो स्वर्ण घनों में कब रवि डूबा
कब आई संध्या गहरी, वो गहरी संध्या कब आ गई, वो इस प्रकार मुझे पता नहीं। तो हमारा वो क्या है, पिताजी का कहना है, सॉरी पिताजी का कहना है, पिताजी कहता है मैं चिंता हूं, मैं चिंता, मैं थिंकिंग है, क्योंकि मेरे वो बच्ची को वे महा बीमारी आ गई, इससे कैसे बचना चाहिए। हमेशा वो चिंतित है, हमेशा वो चिंतित है, वो सुखिया का पिता, वो कैसे वो बेटी को बचना चाहिए, वो कैसा बचना चाहिए, वो चिंता में है। देखिए तो पिताजी कहता है वो कब, वो सूरज, वो प्रभात फिनिश हुआ, देन कब वो दोपहरी आ गई, आलस भरी दोपहरी कब आ गई, देन स्वर्ण घनों में वो सनसेट आल्सो कब इट हैपेंड, कवि कब रवि डूबा, कब आ गई संध्या। दैट मींस हमारे सुखिया का वो पिता हमेशा सुखिया के पास बैठता है, वो कहीं और जाता नहीं है, क्योंकि वो अपने वो सुखिया को बहुत पसंद करते हैं, इसलिए वो हमेशा वो सुखिया के पास बैठता है। वो ईश्वर से प्रार्थना करता है और वो चिंता में है, कैसे हमारे बेटी की से कैसे करूं, कैसे इन्हें इसे प्रोटेक्ट करूं, इस प्रकार वो चिंता में है। सो कैसे प्रभात आ गई, कब संध्या आ गई, कब दोपहर हुआ, इसके बारे में उनको कोई पता नहीं, इतना है। ओके, आई एम मूविंग टू नेक्स्ट नेक्स्ट स्टैंजा, टाइम इज हियर, यस टाइम इज हियर। देखिए लास्ट पैराग्राफ, सॉरी लास्ट, सॉरी थर्ड फिफ्थ स्टैंजा, सभी ओर दिखलाई दी बस अंधकार की ही छाया, छोटी सी बच्ची को घसने कितना बड़ा तिमिर आया। सो फोर लाइंस वी कैन लिख, देन देखिए सभी और दिखलाई दी बस, सभी और दिखलाई मींस फोर साइड्स देखना, मींस सभी और दिखलाई, सभी और दिखलाई माने क्या है, सभी और एवरीवेयर दिखलाई, सीन, हाँ सीन, दी बस, बस माने हमारे हिंदी का अंधकार की ही छाया, अंधकार माने क्या है, अंधकार, डार्कनेस, डार्कनेस, अंधकार माने डार्कनेस की छाया माने छाया, ये छाया शैडो, शैडो, वो अंधकार की ही छाया छोटी सी बच्ची को घसने, एक छोटी बच्ची, एक छोटी लड़की, एक स्मॉल चाइल्ड, स्मॉल लड़की को घसने, घसने माने स्वालो, स्वालो, S W A L L O W, स्वालो, कितना बड़ा तिमिर आया, कितना बड़ा माने क्या है बच्चों, कितना बड़ा, कितना बड़ा, how big, how big, how big, how big, कितना बड़ा तिमिर, तिमिर हमने पढ़ा था ना लार्ज स्मॉल क्लास एग्जांपल, तिमिर माने डार्कनेस, तिमिर अंधकार, डार्कनेस, तिमिर आया, के सो फर्स्ट के फोर लाइंस में बच्चों देखना चाहिए, यहां अंधकार की छाया, अंधकार माने यहां डिसीज, डिसीज बीमारी, इनर मीनिंग है अंधकार माने डिसीज, और तिमिर, तिमिर आई एम डेयर अंधकार, डार्कनेस, डार्कनेस से वो डार्कनेस मींस हमारा वो क्या है, वो छोटी बच्ची है, उनको घसने के लिए, स्वालो करने के लिए एक बहुत बड़ा बीमारी आ गई है, यही इनर मीनिंग क्या है। I hope you understood. पहला चार लाइंस का मीनिंग, सभी और दिखलाई बस, सभी और अंधकार है, मींस वो बेटी के, वो लड़की के चारों ओर अंधकार है, डार्कनेस से एक छोटी सी लड़की को घसने के लिए बहुत बड़ा
बीमारी आ गई है, इतना ही ना, फर्स्ट फोर लाइंस। ओके, एक और बार आई विल एक्सप्लेन फर्स्ट फोर लाइंस फिफ्थ स्टैंजा। एक बहुत बड़ा तिमिर आ गया है, एक बहुत बड़ा बीमारी महामारी आ गई है, एक छोटी सी लड़की को घसने के लिए, घसना माने क्या है, घसना बच्चों एक बात करना चाहिए, नेक्स्ट क्लास में एक फूल की चार पहला फोर स्टैंजा प्लस फिफ्थ स्टैंजा फर्स्ट फोर लाइंस अच्छी तरह से रीड करके आना चाहिए। ओके, रीड करके आना चाहिए, वन बाय वन स्टैंजा वी कैन डिस्कस। नाउ एनीवन कैन यू एक्सप्लेन व्हाट इज द थीम ऑफ थर्ड वन, व्हाट इज द व्हाट इज दैट थर्ड स्टैंजा में कवि क्या कहता है, एनीवन एनीवन आई एम नॉट कंसर्न एनीवन कैन यू थर्ड स्टैंजा में कवि क्या कहता है, किसके बारे में, पूरा मीनिंग आई डोंट वांट, वो स्टैंजा में क्या है, वो दैट्स इन टू और थ्री लाइंस। मैं कवि कहता है कि पिता की जो डर था वो सच हो गया, उनका डर ये था कि उसकी बेटी को बीमार आ जाए। एक दिन जब वो अपनी बेटी की टेम्परेचर देखते हैं तो वो पता चल के उसे महामारी हो गई है, तो उसकी बेटी ने अपनी अंतिम इच्छा देवी की देवी के प्रसाद के फूल मांगा। वेरी गुड, थैंक यू सो मच, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। यस एनीवन कैन यू सेकंड वन, आई एम नॉट कंपेलिंग एनीवन बिकॉज़ नेक्स्ट क्लास आई विल आस्क यू वन बाय वन। नाउ एनीवन, यस yes no one yes please very good कवि के कवि कहते हैं उसके पिता के डर सच सच हो गया, पिता के डर था उसके बेटे। माय डियर आशिक ये दिस इज फर्स्ट वन ना, आई एम आस्किंग नेक्स्ट वन, दिस वन श्रीहरि ने बताया ना, नेक्स्ट वन आपके पास पुस्तक है तो देखिए, वो मैंने कहा सेंड किया था ना वो कविता। ओ इट्स ओके आशिक, फर्स्ट वन बताइए, द सेम आशिक, द सेम, यस मैम, सेम स्टैंजा बताइए, कोई प्रॉब्लम नहीं। या आई ऑलरेडी नो डर पिता के डर सच हो गया, क्यों पिता के डर था बेटी को महामारी आने के लिए। एक दिन पिता उसके पिता ने उसके टेम्परेचर देखने समय उसके टेम्परेचर हाई देन क्या हो गया, वो बेटी ने क्या पूछा अपने पिता से, देवी देवी के प्रसाद का फूल। यस वेरी गुड, थैंक यू सो मच आशिक। इसका नेक्स्ट स्टैंजा में वो सुखिया का बीमारी बढ़ने का चित्रण है। ओके, रीड करके आना चाहिए नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू वेरी मच आशिक, थैंक यू सो मच। एनीवन नेक्स्ट स्टैंजा, हमारे हिंदी क्लास में ओनली श्रीहरि एंड आशिक इज, माय डियर बच्चों, हां सेम सेम, बताइए बताइए नेक्स्ट आंसर, देन आई विल आस्क, बेटर आई विल आस्क। यस रिफा प्लीज, वेयर आर यू रिफा, मैम हियर। यस बताइए बेटी क्या है नेक्स्ट आंसर में, वो थीम क्या है वो बताइए। इस आंसर में सुगिया को बीमारी का बढ़ने बढ़ने का चित्रण है। यस वेरी गुड, और सुगिया को बीमारी आकर इसके पिताजी क्या क्या हो गए, उनका खंड
उनका घंट बहुत क्षीण हो गया हो गया वेरी गुड सेकंड पॉइंट और इस उसके ऑर्गन्स बहुत शिथिल शिथिल हो गए वेरी गुड हो गया और इसके पिता ने इसके पास बैठकर नव नव उपाय में सोचा था वो सोचते समय कब सूरज आ गया कब सनसेट हो गया संध्या कब आ गई इसके बारे में कोई पता नहीं था वेरी गुड थैंक यू सो मच रिफा वेरी गुड लास्ट फोर लाइंस हमारे फिफ्थ स्टैंजा में लास्ट फोर लाइंस एनीवन लास्ट फोर लाइंस माय डियर बच्चों कुछ करेज आल्सो चाहिए ओके हिंदी प्लस करेज ओके क्या है नेक्स्ट फोर लाइंस यस हादी रेडी आई थी यस हादी हादी स्माइल यस हादी प्लीज डियर यस वेटिंग टाइम इज ओवर आई हैव टू गो यस फिफ्थ स्टैंड का पहला चार लाइंस ए महामारी उसकी बेटी के लिए आया है बेटी को आया है देन एक अंधकार तिमिर के बारे में कहता है ना बताइए पुस्तक में देखिए आपका बुक में देखिए देन बताओ अच्छी तरह से रीड करके ना आना चाहिए ओके सी योर थैंक यू मैम ओके डियर्स थैंक यू